आलमी शोहरत याफ्ता आलमे दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे की खुदकुशी का मामला हल हो गया। आसिम जमील ने खुद गार्ड की बंदूक छीनकर जिंदगी का खात्मा किया। आसिम जमील के बड़े भाई यूसुफ जमील ने अपने वीडियो बयान में ये वाज़े कर दिया है कि वो डिप्रेशन का मरीज था और उसकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे। मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो चुका था और उसने इंतहाई इकदाम उठाते हुए ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब ने हिदायत की है कि शाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। तर्जमान का कहना है कि डीपीओ खानेवाल और सीनियर पुलिस ऑफिसर मौका पर पहुंच गए, शवाहद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मौलाना तारिक जमील और उनके अहले खाना की जानिब से आसिम जमील की वफात को पहले हादसाती करार दिया जा रहा था, ताहम जब सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर खुदकुशी की खबरें फैली तो उनके बड़े बेटे का मौकफ सामने आया। जमील का बेटा गोली लगने से इंतकाल कर गया है। आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारी। गोली लगने के बाद आसिम जमील को तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर मिया चन्नू अस्पताल पहुंचाया गया, मगर अस्पताल में खून ज्यादा बह जाने की वजह से आसिम जमील दम तोड़ गया। डीएसपी मिया चन्नू सलीम आर्थ का कहना था कि आसिम जमील ने खुदकुशी की है। रीजनल पुलिस अफसर मुल्तान सोहेल चौधरी ने कहा है कि आलमे दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे ने खुदकुशी की है। डीपीओ ने खुदकुशी की सीसीटीवी फुटेज देखी है। आरपीओ मुल्तान ने कहा कि आसिम जमील नफसियाती मरीज थे और कई साल से अद्वियात ले रहे थे। उन्होंने 30 बोर के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी। तलंबा में मौलाना तारिक जमील के घर जाकर तहकीकात करने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि आसिम जमील ने अपने मुलाजम इमरान से पिस्तौल मंगवाया। जब उन्होंने पिस्तौल लोड करके उसका रुख अपने सीने की तरफ किया तो मुलाजम इमरान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसी दौरान उसने खुद पर गोली चला ली। ये एक ही गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस के मुताबिक आसिम जमील ने पसंद की शादी की थी, बाद में उनकी तलाक हो गई थी। ताहम सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, वो दम तोड़ चुकी हैं और ये बात सामने आई है कि आसिम जमील ने मुलाजिम के पिस्टल से खुद पर गोली चलाई। मौलाना तारिक जमील की जानिब से अपने साहबजादे की खुदकुशी के वाकया के मुताल्लिक मुबहम अल्फाज में इतला सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद बाज़ न्यूज़ आउटलेट्स से मुंसलिक मकामी रिपोर्टरों की बनाई हुई वीडियो क्लिप्स के हवाले से ये अफवाहें फैल गई थीं कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील पर कातलाना हमला किया गया है। पुलिस की जानिब से आसिम जमील की वफात के मुताल्लिक वाज़े बयानात सामने आए के बावजूद ये अफवाहें अब भी सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदार अफराद फैला रहे हैं। आसिम जमील की वफात पर कत्ल की अफवाह फैलाने वालों में सोशल मीडिया पर अहम समझी जाने वाली शख्सियात भी शामिल हैं, जिन्हें इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। मौलाना तारिक जमील ने ट्विटर पर अपने मरहूम बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा का ऐलान भी कर दिया है, जिसके मुताबिक आज बरोज़ सोमवार 30 अक्टूबर रात 7:30 बजे आबाई गाँव रईसाबाद तलंबा में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शहजाद फरामोश शरीफ डिजिटल।